हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम और ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है अगर इस गैल्वेनोमीटर से 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो कैसे इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाए जिसकी रेंज है 18 वोल्ट। तो इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर भी समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है बच्चों और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हम क्या करते थे, हम एक वोल्टमीटर को यहाँ पर कनेक्ट करते थे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है वो आईजी के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट शो करता है और आईजी है 3 मिली एम्पियर, बहुत कम। तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए क्योंकि यहाँ से लार्ज करंट फ्लो कर सकता है आईजी से बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ सीरीज में एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस। अब ये बन गया एक कन्वर्टेड वोल्टमीटर। ओके, ये है कन्वर्टेड वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस है आर प्लस जी, यानी दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर जो रेजिस्टेंस बनता है वो होगा इस कन्वर्टेड वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। अब देखिए, मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाने वाला है, वी जाने वाला है, और मैंने इस गैल्वेनोमीटर का भी रेंज वी ही करना है। तो मान लीजिए अगर ये गैल्वेनोमीटर वी वोल्ट के लिए मैक्सिमम यानी 30th डिवीजन पर शो करता है पॉइंटर, तो इसका मतलब कि भाई इस वी वोल्ट यहाँ पर है उसके अक्रॉस ये गैल्वेनोमीटर लगाए तो ये वी वोल्ट ही दिखाएगा, और वी वोल्ट ही दिखाए इसके लिए यहां से करंट फ्लो करना चाहिए आईजी। अब यहां से आईजी कब फ्लो करेगा, कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में हमें लगाना होगा आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो कि वी वोल्ट के लिए गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाए 30 पर, ताकि हम समझ जाएं कि 30 पर अगर ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम दिखा रहा है और जो कि हमने इसको कन्वर्ट किया है वी वोल्ट में ही। ओके, सो कितना हो आर की वैल्यू, तो समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनके सम के। लेट्स से गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और रेजिस्टेंस के अक्रॉस है V2। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है यानी IG और उसका रेजिस्टेंस यानी G, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो V हो जाएगा इक्वल्स टू V1 प्लस V2 और V1 कितना है, V1 है IGG, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्लस V2 कितना होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R यानी हाई रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस भी कितना करंट फ्लो कर रहा है IG क्योंकि वो सीरीज में है, इनटू R। ओके, तो आप देखेंगे कि V इक्वल्स टू IG इनटू G प्लस IG इनटू R आ गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, IG कॉमन लेंगे फिर आप R की वैल्यू निकालेंगे, तो R की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स R इक्वल्स टू वी अपॉन IG माइनस G। तो एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है वी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू वी अपॉन IG माइनस G, यानी यहां पर है V कि कितनी रेंज पे आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हमने V ही रेंज रखी थी। ओके, तो लेट्स से यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V/2 हो जाता है और हमने इसको V वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट कर रखा है तो पॉइंटर चला जाएगा 15th डिवीजन पे। इसका मतलब हम समझ गए कि वो V से आधा शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर भी IG की वैल्यू चेंज हो जाएगी। IG कब फ्लो करेगा, जब ऊपर V पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, इसका मतलब IG फ्लो कर रहा होगा, और अगर पॉइंटर 15th डिवीजन दिखा रहा है इसका मतलब IG की वैल्यू हाफ हो गई, इसका मतलब ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V/2 हो गई है क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर V की रेंज में कन्वर्ट हुआ है यहां पर। तो कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना है R के वो V वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट हो जाए, उसकी वैल्यू होगी R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ओके, तो यहाँ पर V है कि कितनी रेंज में आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कितनी रेंज का वोल्टमीटर बना रहे हैं, और IG की वैल्यू है कि उस गैल्वेनोमीटर के लिए कितनी करंट की वैल्यू के लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, और G है उसका रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर अब कि मान लीजिए हमने इस गैल्वेनोमीटर को 18 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब इसकी रेंज है 18 वोल्ट। इसका मतलब जब ये किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड होगा और उस रेजिस्टेंस पर अगर 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखाएगा और यहां से IG करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज है 18 वोल्ट। तो कितना रेजिस्टेंस हम इसके साथ सीरीज में लगाएं कि 18 वोल्ट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए। तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारा V अपॉन IG
माइनस जी स्टूडेंट्स, कितना था वी अपॉन आई जी माइनस जी। ओके तो वी कितना है, वी है यहां पर 18, आई जी कितना है 3 मिली एम्पियर, जिसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 एम्पियर, माइनस जी का यानी जो जी है यहां पर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो लिख दिया हमने माइनस 12। ओके 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 3 इसका मतलब 1000, तो इसका मतलब 18 इंटू 1000 यानी 18000 अपॉन 3 माइनस 12। ओके स्टूडेंट्स अब 18000 अपॉन 3 हो जाता है 6000, 6000 माइनस 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5988 ओम। इसका मतलब बच्चों 5988 ओम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाकर हम इसको 18 वोल्ट का वोल्टमीटर बना सकते हैं, यानी 18 वोल्ट के अक्रॉस अगर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके और अगर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 9 वोल्ट हो गया है तो ये 15th डिवीजन पर चला जाएगा पॉइंटर, इसका मतलब ये 9 वोल्ट शो कर रहा है। ओके तो ये 18 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ, 5988 का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगाकर हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस कन्वर्टेड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा जी प्लस आर, यानी इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, कन्वर्टेड वोल्ट मीटर का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा जी प्लस आर। जी कितना है 12 और आर कितना आया है 5988। ओके तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी 6000 ओम। ओके उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।